অজিত পাওয়ারে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে মন্তব্য করে শিবসেনায়। কল 9 বজে তক এ মহাশয় আমাদের সাথে বৈঠে থে, পুরি বাতচিত মে সক্রিয় থে, কোই সূচনা ভি কর রহে থে, অচানক সে গায়ব হো গে। হমেঁ থোড়া সংশয় আয়া থা উস বারে মে উনকি জো বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থি, ক্যোঁকি ও নজরো সে নজর মিলা কর নাই বোল রহে থে। জো ব্যক্তি পাপ করনে যাতা হ্যায় উসকি নজর জিস প্রকার সে ঝুকতি হ্যায় वो झुकी हुई नजरे से बात कर। ठीक है, बातचीत एक दिन के लिए आगे बढ़ गई, उसका मतलब ये नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पक्ष ने राजभवन का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया है, फिर एक बार ये इस देश के लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। सत्ता, पैसा और मस्ती, ये सब फिर एक बार उसका गैर कानूनी ढंग से इस देश में वापर किया है। দেবেন্দ্ৰ ফৰ্ণাবিজে এখন সুস্থিৰ চৰকাৰ দিব বুলি মন্তব্য কৰে বিজেপিয়ে। सरकार महाराष्ट्र की जनता को स्थिर सरकार देगी। 105 हमारे हैं और उसके बावजूद सभी इंडिपेंडेंट वो भी अभी हमारे साथ में है। मुझे लगता है 170 के ऊपर ये संख्या जाएगी। महाराष्ट्र में हम लोग अभी 5 साल स्थिर सरकार देंगे। अजीत दादा पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस के वहाँ के विधायक दल के प्रमुख है और इसलिए वो नेता है। उन्होंने पूरे सभी आमदारों के विधायकों के साइन का लेटर राज्यपाल जी को सौंपा है। इसका मतलब पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारे साथ में है।